नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जापान में मौजूद हूँ और आज मेरे साथ जो है पाकिस्तान से सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और उनकी काबीना जो जापान की है वो तशरीफ रखते हैं। मेरे साथ हैं मलक नूर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम साहब, खैरियत से हैं सर? अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, क्या ठीक ठाक है? खैरियत से? और शेख कैसर साहब हैं, क्या हाल है? मोहम्मद साहब, मलिक साहब, खैरियत से? ठीक ठाक है। तो मैं चाहूँगा कि सर ये जापान से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक मैसेज देना चाह रही हूँ वो दो दो मिनट करके जो इनका मैसेज है वो आपके पास चला जाए, तो ये मैसेज मैं पहले चाहूँगा मुशाहिदुल्लाह खान साहब से। सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये 2 नवंबर के हवाले से मतलब एक अफसोसनाक सी सूरत हाल, एक पार्टी जिसका नाम पीटीआई और जिसके लीडर एक ना तजर्बाकार तरीन लीडर जो खुद सर भी हैं और ज़िद्दी भी हैं और जिन्हें मुल्क और कौम की शायद परवाह नहीं है उनकी पॉलिसी से यही नज़र आता है, और वो किसी हिडन बैरूनी एजेंडे पर काम करके पाकिस्तान के अदारों को चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो या FBR हो या इलेक्शन कमीशन हो वो किसी को वो मानने को तैयार नहीं है, कहीं कोई फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ उस बात को मानते हैं जो उनके हक में हो। और अब चूँकि अगले साल यानी कि 2018 में अगले साल तो नहीं इलेक्शन भी हो रहा है और वो बुरी तरह हार चुके हैं, मतलब कि PMLN की हुकूमत जो है वो एक लिहाज से है लेकिन ये पाकिस्तान की हुकूमत है और ये पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में बहुत सारे यानी कि तेज़ी से काम हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान को नवाज शरीफ और PMLN की गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए था और फिर KPK के अंदर उन्हें एक मॉडल सूबा बना के दुनिया को ये दिखाना चाहिए था कि वो एक बासलाहियत आदमी हैं, लेकिन ना सिर्फ एक तो उन्होंने नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश की है बल्कि CPAC जो एक गेम चेंजर है उसका वो रास्ता उस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर रोकना चाहते हैं जो 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 चाइना को अपना किरदार अदा करने नहीं देना चाहते एक मखसूस जगहों पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान या दीगर उनके जो भी साथी हैं ताहिरुल कादरी हो या और दीगर साथी हैं वो जिस तरह से जो भी कुछ कर रहे हैं उसका मुल्क को नुकसान है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं बार बार इस बात का इरादा कर चुके हैं, इमरान खान को हर इलेक्शन में मुस्तरद करते हैं चाहे वो इलेक्शन 2013 का हो या उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड का हो या लोकल बॉडीज़ का हो या तकरीबन 50 के करीब ऐसे बाई इलेक्शन हैं जिसमें उन्हें बुरी तरह से शिकस्त दी गई है। तो अगर एक आदमी जो शिकस्त खुर्दा है वो अवाम की तरफ से दी गई शिकस्त का बदला अगर पाकिस्तान के अवाम के मफादात को गारत करके लेना चाहता है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम उनको ये काम नहीं करने देंगे और ओवरसीज़ में जो बसने वाले मुसलमान और ख़ास तौर से जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं और उन्हें ये अपना किरदार इसमें प्रोएक्टिवली अदा करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक टेक ऑफ पॉइंट पे है, वो एक न्यूक्लियर पावर भी है और अब एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है, तो उस किरदार को वो कभी भी तबाह ना होने दें और पाकिस्तान जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इसके रास्ते में इमरान खान समेत जो भी लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं उस रुकावट को दूर करने में ओवरसीज पाकिस्तानी माजी में भी अपना किरदार अदा करते रहे पाकिस्तान के लिए और आइंदा भी वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। जी कैसे साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जो बातें मुशाहिदुल्लाह साहब ने की हैं उन्हें रोशन भी करता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि ये जो इन्होंने करप्शन की एक या पनामा की रिट लगा रखी है, अब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 3 साल हो गए हैं इक्तदार में आए, 3.5 साल इनके पास आज तक 3.5 साल के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसके अंदर उन्हें करप्शन नज़र आती हो। ये करप्शन जो है ये इनकी वो करप्शन इनकी ज़ाती करप्शन है जिसके तहत ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इक्तदार से हट जाएं ताकि जो पाकिस्तान तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मुसलमानों के लिए एक मजबूत किला बन रहा है और आलम इस्लाम का जो है वो एक मजबूत किला इंशाल्लाह ये बनेगा, उसको जो है ये किसी और के कहने पर उस मामले को जो है ये ख़राब करना चाहते हैं।
अगर पनामा लीक का कोई मसला अव्वल अगर है भी तो अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, अदालतें खुद ही फैसला करेंगी कि क्या सच है क्या झूठ है। दूसरा, ये पनामा लीक अगर शुरू हुई तो ये तो हम अगर पीछे जाएं तो भुट्टो दौर हमें याद आता है कि जिस दौर के अंदर उन्होंने नेशनलाइज कर ली थी सारी कौम की मिलें और लोगों की मिलें, तो जिसके पास जितना पैसा था उसने उसे सेव करने की कोशिश की होगी उस वक्त के, ताकि जो है ये भी वो क्या कहता है ख़त्म ना हो जाए। तो और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किरदार क्या है, अगर किसी जगह पे अकाउंट है उनके बच्चों का है, उनका जाती अकाउंट तो है ही नहीं। और इस तरह अगर इमरान खान के पास आप देखें तो उसके आसपास सारे हवारी सबके जो है अकाउंट है, और बल्कि ये इमरान खान अपनी 82 वाली किताब के अंदर शायद इसने कुछ लिखा है कि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैं जी 88 में और मैं जो है वो बड़ी मुश्किल से किसी जगह पे मैच खेल के वो लंदन आने के लिए जो है वो टिकट का अरेंज करता था या कॉलेज या स्कूल में जाके पढ़ता था। तो ये जो उसका उधर अकाउंट खुला है मतलब ऑफशोर कंपनी का, तो ये तो 82 के अंदर खुला है, 88 की ये दास्तान सुना रहा है और 82 के अंदर उसका खुला है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जुबान, इसके अल्फाज और इसके किरदार में बिल्कुल तजाद है। ये हमारी कौम को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आज ये कौम अगर ये जिस किस्म की बातें करते हैं, करप्शन 2013 से पहले जाए तो हर रोज करप्शन से भरा हुआ था, तो उस वक्त इसने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? आज इसे आवाज बुलंद करनी उस वक्त आ रही है कि जब करप्शन का नामो निशान खत्म हो रहा है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक अजीम कौम की तरह, एक अजीम मुल्क की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी हम लोग इसलिए ज्यादा जज्बाती होते हैं कि जब हम लोग बाहर रहते हैं तो हमें पता है 2013 से पहले पाकिस्तान का इमेज और किरदार या लोग किस तरह से महसूस करते थे और आज कितना फर्क पड़ चुका है। आज लोग हमें फिर मुहज़्ज़ब कौम की तरह देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। 2013 से पहले देखे तो हमें दहशतगर्द कहा जाता था। आज और पाकिस्तानी कौम के लिए ये बताएं कि दो चीजें उन्होंने की थी, एक उन्होंने ये कहा था कि हमारी ये बिजली वाला एनर्जी वाला मामला हल कर दें, दूसरा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये रोजाना दहशतगर्दी होती है उसको खत्म कर दें। अब आप ये बताएं कि नवाज शरीफ अपनी किसी भी ऐसे फराइज से गाफल नजर आता है आपको? आप ये देखें कि दहशतगर्दी जो है वो अल्लाह के फजल से 90% से ज्यादा जो है वो खत्म हो चुकी है। और अगर आप देखें एनर्जी, तो वो 2018 तक उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास बिजली बिजली हो जाएगी और इनको एनर्जी के वो मसाइल जो है खत्म हो जाएंगे, प्लस वो पाकिस्तान को बेहतर आगे लेके चलने के लिए सी पैक का मनसूबा लेके आए हैं, आपकी बिजली के रेट कम किए हैं, आपको गैस जो है वो सप्लाई होनी शुरू हो गई है, दहशतगर्दी कम होने से लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें अगर आज वो इस्लामाबाद के अंदर जाके धरना देता है तो मैं ये समझता हूं कि ये वो अपनी जाती अना के लिए धरना दे रहा है, लेकिन उससे अफेक्टिव जो होंगे वो 20 करोड़ आवाम होंगे जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, और हम अपने मैसेज से अपने लोगों तक ये जरूर ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खुदारा इसकी बातों में मत आइएगा, ये इस किस्म के धोखेबाज और इस किस्म की जो है ना बातें करने वाले पहले भी बहुत आया है और उन्होंने आके कुछ नहीं किया। अगर आप देखें 70 साल के अंदर या हमें पाकिस्तान को बने अगर आज हो गया है तो उसके अंदर कितने बड़े बड़े लोगों ने दावे किए, और एक बंदा तो ऐसा भी आया कहता है 7 नकाती एजेंडा लेके आया था, और उसके दौर के अंदर आपने देखा कि दहशतगर्दी जो है वो सवाद तक आ गई थी। वो अगर ये ताकत के जरिए या क्या कहते हैं उसके जरिए अगर ये हल हो सकती तो मुशर्रफ जो था वो सदर भी था और आर्मी चीफ भी था। ताकत के जरिए ये काम नहीं होते, ये बड़े एक सोच के साथ और एक बड़े क्या कहते हैं हुनरमंद बंदे का काम है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अंदर हमें नजर आ रहा है, और उन्होंने ये किया है, तो उसके ये मामला को साबित हवाई ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। मेरा ख्याल वक्त की कमी की वजह से मेरा ख्याल आप कुछ कहना चाहेंगे कि मैं नहीं से ले क्योंकि थोड़ा टाइमिंग की वजह से, तो वक्त की नज़र इस पर कैपिटल टॉक जो होती है ना, जहाँ टोक्यो टॉक हो रही है और मुगल चैनल का मकसद है कि उसका चैनल का किसी की बात से मुतफिक होना या राय में लेना नहीं है, बल्कि हर एक की दिल की आवाज़ को आप तक पहुँचाना जो है ना मुगल चैनल का काम है। तो मैं चाहूँगा कि प्रेजिडेंट जो है हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग रूल जापान के नूर अवान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नूर अवान साहब प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे कायदीन ने बहुत कुछ कह दिया, मेरे कहने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बात जो है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने अपने 2014 के धरने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा था कि आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, और पूरी दुनिया के ओवरसीज़ ने एक लोगों ने इसको नापसंद करार किया और बल्कि इस पर रिजेक्ट किया इस बात को, और अल्हम्दुलिल्लाह के उससे ज़्यादा उस साल जो है कि ओवरसीज़ लोगों ने पैसे भेजे। और अभी जो हालात हैं इमरान खान का, जो लाहौर वाला धरना देख लें कि इधर एक तरफ जो है कि इंडिया का वो लड़ाई की बातें कर रहा है और बॉर्डर पे हमारे शहीदों की लाशें जो है कि अपने घर में आ रही हैं
और एक तरफ वो है अपने म्यूजिक से जो है कि वो डांस करवा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये कैसा पाकिस्तानी है। और अगर इससे इससे हमने हमसे इलेक्शन लड़ना है तो 2018 में वो कहते हैं ना कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2018 में भी इंशाल्लाह कामयाबी अता फरमाएगी और पाकिस्तान का इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो अब अमेज बेहतर हो रहा है और 2018 के बाद भी PMLN की हुकूमत होगी और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर होंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इसी तरह बहुत शुक्रिया। तो खातिर नजरात ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान की काबीना।